हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए, तो आपको मालूम है कि आपका जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन है, जो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की गई थी, तो करीब 10 से 15 इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सामाजिक धार्मिक संगठन हैं, जिनकी स्थापना 19 सेंचुरी और 20 सेंचुरी में की गई थी, मतलब 1800 से लेकर के 1900-1950 के बीच में की गई थी। ये करीब 12 से 15 इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से हमेशा सवाल आते हैं और यहाँ से तीन चार टाइप के सवाल आते हैं। पहला, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम। सेकंड, उस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर कौन था। थर्ड, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था। और फोर्थ, कहाँ किया गया था। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चार बातें आपको मालूम होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, स्थापना किसने की, कहां की और कब की। तो करीब 12 से 15 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं आपको बताने वाला हूं अभी। ये वीडियो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, यहां तक यूपीएससी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वहां पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम का होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो सीख जरूर लीजिएगा। लाइक करना ना करना वो आपके लेवल की बात है, लेकिन वीडियो को सीख जरूर लीजिएगा क्योंकि ये काम का वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन आता है तत्वबोधिनी सभा। जो तत्वबोधिनी सभा है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1839 में। कब हुआ था? 1839 में। किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और कहां किया था? कलकत्ता में, है ना। तत्वबोधिनी सभा का 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा वाज फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर इन 1839 इन कलकत्ता। ओके, नेक्स्ट, परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में गोपाल दास हरि देशमुख ने की थी मुंबई में। परमहंस मंडली 1840, गोपाल दास हरि देशमुख मुंबई। ओके, परमहंस मंडली वाज फाउंडेड या और वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाल दास हरि देशमुख इन 1840 इन मुंबई। नेक्स्ट, मानव धर्म सेवा संगठन। ऑर्गेनाइजेशन का नाम मानव धर्म सेवा। 1844 मेहता जी दुर्गाराम मंसराम सूरत। मानव धर्म सेवा वाज फाउंडेड इन 1844 बाय मेहता जी इन सूरत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में शिवदयाल साहब ने आगरा में की थी। ओके, राधा स्वामी सत्संग वाज फाउंडेड और एस्टेब्लिश्ड बाय शिवदयाल साहब इन आगरा इन 1861। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज स्वामी नारायण संप्रदाय। स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना 1861 में संत स्वामी नारायण ने की थी साउथ इंडिया में। क्लियर, स्वामी नारायण संप्रदाय 1861, संत स्वामी नारायण साउथ इंडिया। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो स्वामी नारायण संप्रदाय वॉज एस्टेब्लिश्ड और फाउंडेड बाय संत स्वामी नारायण इन 1861 इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट, साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी अलीगढ़ में। साइंटिफिक सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1861 बाय सर सैयद अहमद खान इन अलीगढ़। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा जो है, इसकी स्थापना 1870 में की गई थी रनाडे और चिपलुंकर साहब के द्वारा पुणे में। क्लियर, पूना सार्वजनिक सभा वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1870 बाय मिस्टर रनाडे एंड चिपलुंकर इन पुणे। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया। जो ब्रह्म समाज है साउथ इंडिया का, उसकी बात करते हैं। तो ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया जो है 1871 में श्री धारालू नायडू जी के द्वारा मद्रास में किया गया था। ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया वाज फाउंडेड बाय श्री धारालू नायडू इन 1871 इन मद्रास। नेक्स्ट, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना 1876 में की गई थी, 1876 में की गई थी वीर सेलिंगम पंटुलू के द्वारा हरिद्वार हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट है, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1876 बाय वीर सेलिंगम इन हैदराबाद। नेक्स्ट,
गौ रक्षणी सभा, जो गौ रक्षणी सभा है इसकी स्थापना 1882 में की गई थी, 1882 में किया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, कहां पर? हैदराबाद में। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। गौ रक्षणी सभा 1882, दयानंद सरस्वती, हैदराबाद। गौ रक्षणी सभा वॉज फाउंडेड इन 1882 बाय दयानंद सरस्वती इन हैदराबाद। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समाज सुधार समिति। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति जो है इसका स्थापना हुई थी 1887 में एम जी रनाडे जी के द्वारा मुंबई में। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति 1887, महादेव गोविंद रनाडे, मुंबई। इंग्लिश में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1887 बाय एम जी रनाडे इन मुंबई। नेक्स्ट, बायकॉम सत्याग्रह। बायकॉम सत्याग्रह 1924-25 में नारायण गुरु जी के द्वारा केरला में, बायकॉम सत्याग्रह 1924-25, नारायण गुरु, केरला। नेक्स्ट, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा 1915 बाय मदन मोहन मालवीय इन हरिद्वार। क्लियर, हिंदू महासभा जो है वो 1915 में हरिद्वार में श्री मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व भारती 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में। विश्व भारती 1921, रविंद्रनाथ टैगोर, कलकत्ता। नेक्स्ट, भील सेवा मंडल 1922 अमृतलर विठल दास वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में। भील सेवा मंडल 1922 विठल दास वेस्टर्न घाट। क्लियर, चलिए, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लीजिएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, कहाँ किया गया, किसके द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट है हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मैंने अभी आपको 15 ऑर्गेनाइजेशन बताए हैं, कितने, 15 ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया है। आने वाले समय और भी कराते चलेंगे। इस टाइम पे आपको मालूम है कि कितनी क्लास चल रही है, एक क्लास होती है आपकी दोपहर में, कई बार 2 बजे 3 बजे, उसका टाइम फिक्स नहीं है क्योंकि दिन में ढेर सारे काम होते हैं, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बाथरूम साफ करना, बहुत चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको मालूम है लॉकडाउन है तो सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक क्लास होती है शाम को 6 बजे, एक क्लास होती है 9 बजे, ये 3 क्लासेस हो रही हैं। 2 क्लासेस पेड में होती हैं, एक PSC वाली, एक स्टैटिक जीके वाली। जिनको स्टैटिक जीके में एडमिशन लेना है वो बिल्कुल ले सकते हैं। 999 फीस है, फीस नहीं बढ़ाई है मैंने, है ना। 999 फीस है, कितनी फीस है, 999। जिनको एडमिशन लेना है कुछ भी नहीं करना है, ये फ़ोन पे नंबर है 9179264118, या कि फिर गूगल पे नंबर 7042633154, या कि फिर ये अकाउंट नंबर, ये मेरा नाम और ये IFSC कोड। तीनों तरीके से, किसी भी तरीके से आपको 999 पेमेंट करना है। 999 पेमेंट करने के बाद उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको 7042633154 वाले नंबर पे उस स्क्रीनशॉट को व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कैसे खरीदना है, क्या करना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8882732650, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, ये कॉलिंग नंबर है, आप इसमें कॉल मत कीजिएगा और इसमें व्हाट्सअप मत कीजिएगा, ये सिर्फ आपका व्हाट्सअप नंबर है। आप इसमें कॉल करेंगे तो 99.99% केस में आपका फ़ोन नहीं उठेगा, आपका फ़ोन इसी पे उठेगा, 8882732650। मुझे उम्मीद है चीज़ें समझ आ रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, लॉकडाउन है, घर से बाहर प्लीज़ मत निकलिए, सरकार का सहयोग कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस को हल्के मत लीजिएगा। ये जो वायरस होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। 1920 में स्पेनिश आया था, 5 करोड़ लोगों की दुनिया में मौत हो गई थी। 5 करोड़ का डाटा हो सकता है वो कम लगेगा, लेकिन उसमें अगर आपके या मेरे घर का कोई एक आदमी भी शामिल हो जाएगा तो फिर लगेगा कि भाई साहब एक भी कितना होता है। अभी भी हिंदुस्तान में लगातार मौत हो रही हैं, बहुत मौत हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क, अमेरिका जैसे जगह पे 10,000 से ज़्यादा लोग की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया में लगभग 1 लाख के आसपास मौत हो चुकी हैं। 1 लाख डाटा बहुत होता है, उसमें अगर एक भी मेरे घर का, आपका घर का शामिल हो जाएगा तो फिर आपको मालूम चल जाएगा, मेरे को मालूम चल जाएगा कि एक भी मौत क्या होती है। प्लीज़ घर में रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर।